राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम, कई जगह किए गए रूट डाइवर्ट। चुनाव में प्रियंका ने झोंकी ताकत, जारी किया नया थीम सॉन्ग, कहा मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरठ में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया बयान, कहा मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। कानपुर देहात में सामने आई पुलिस की बर्बरता, पुलिस ने चलाई मासूम के पिता पर लाठी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामले का वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर देहात से पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला एक शख्स पर लाठियां बरसा रहा है और जिस शख्स के साथ ही शर्मनाक हरकत हुई है उसकी गोद में बच्चा रोता बिलखता नजर आ रहा था। एक मिनट से कम इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो बार बार पुलिस से अपील कर रहा था कि बच्चे को लग जाएगी, उन्हें ना मारे, लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर यूपी पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि लाठी बरसाने वाले एसएचओ को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि जिस शख्स को मारा जा रहा था वो और उनका भाई अस्पताल में अराजकता फैला रहा था। पुलिस ने लाठीचार्ज जिला अस्पताल के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर किया गया था। कानपुर देहात से वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100-150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए अस्पताल की ओपीडी को बंद कर दिया गया था और अस्पताल कर्मी मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और जिलाधिकारी महोदय को सूचना देते हुए पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के समझाने पर भी रजनीश शुक्ला उसके साथी नहीं माने और उन्होंने चौकी इंचार्ज व उनके कुछ सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया था और अभद्रता करने की कोशिश करने लगे थे। और इस मौके पर थाना अध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और रजनीश शुक्ला और उसके साथियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु रजनीश शुक्ला और उग्र होते हुए थाना अध्यक्ष पर हमला करते हुए उनका अंगूठा दांतों से काट लिया था और पूरे अस्पताल में अराजकता का माहौल बन गया था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति रजनीश शुक्ला का भाई है और वो बच्चे को साथ ही भीड़ के में जाकर लोगों को उकसाने का कार्य कर रहा था और साथ ही मना करने पर अभद्र व्यवहार कर रहा था। मौके से हटाने के लिए पुलिस बल द्वारा न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग किया गया और उससे बच्चे की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया था। उक्त रजनीश शुक्ला पूर्व में भी एसडीएम पर हमला करने का अपराध दर्ज है और जो न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी पूरे प्रकरण को इस मामले में तथ्यों की संपूर्ण जानकारी के लिए जांच कराई जा रही है और जांच आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, कानपुर देहात से ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, मासूम बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन पुलिस वाले हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है, एक के बाद एक जमकर लाठियां बरसा रहे हैं, आखिर उस शख्स का कसूर क्या था? देखिए, बिल्कुल सही है, बहुत ही बर्बरता पूर्वक का ये वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो कानपुर के देहात अकबरपुर कोतवाली का बताया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक पुलिस का चेहरा क्या हो सकता है कि एक पिता को लिपट कर उसका बेटा अपने पिता के रो रोकर कह रहा है कि साहब छोड़ दीजिए, लेकिन पिता की एक भी बच्चे की एक भी सजा को न तो पुलिस सुनती है न वहां पर आला अधिकारी सुनते हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तब आनंद फानंद में लखनऊ यानी एडीजी जोन कानपुर एडीजी जोन को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है और जांच के लिए वो लिख देते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसमें दो वीडियो जारी हुए हैं इस बर्बरता पर। इसमें एडिशनल एसपी का ये कहना है कानपुर के कि ये रजनीश शुक्ला का भाई है और रजनीश शुक्ला का जो पूरा प्रकरण था कि वो अस्पताल में किसी विवाद को लेकर के अस्पताल कर्मचारियों से सुलूकी की गई, अस्पताल के कार्य में बाधा डाली गई और मौके पर जब जिला मजिस्ट्रेट का फोन पहुंचता है तब वहां पर पूरी पुलिस फोर्स पहुंचती है, उसके बाद पुलिस फोर्स में चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को कमरे में बंद कर दिया। दानिश, दानिश, लेकिन सवाल ये है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, मासूम बच्चा उसकी गोद में है शख्स के, कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, जो लाठियां पिता पर बरसाई जा रही थी वो लाठियां मासूम बच्चे को भी लग सकती थी,
तो ऐसे में पुलिस की ये बर्बरता आखिर कहां तक शोभा देती है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इससे पहले भी न्यूज पर लगातार को उठा रहा है, इससे पहले लखनऊ में भी एक मामला सामने आया था अभी पुलिस को लेकर के, आप यहाँ पर कानपुर है तो पुलिस को मुझे लगता है किसी न किसी प्रशिक्षण की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है शायद अनुशासनहीनता या मानव अधिकार के आयोग को भूल चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर रजनीश शुक्ला के भाई का कसूर था तो उसको पहले बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि जब सबसे पहले लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को बनाए रखना सबसे पहली जिम्मेदारी। दानिश, पूरा मामला किस तरह से है, क्योंकि आप दो वीडियो का जिक्र कर रहे हैं जहां पर पुलिस कुछ और कह रही है और ये वीडियो कुछ और दिखा रहा है। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से SSP और SP का जो बयान आया है कानपुर के, उनका ये कहना है कि रजनीश शुक्ला नाम के किसी व्यक्ति ने सरकारी काम में बाधा डालते हुए अस्पताल प्रशासन के काम को रोक दिया, इलाज को लेकर कोई वाद विवाद हुआ। मौके पर जिला मजिस्ट्रेट का जब फोन पहुंचा तो वहां पर फोर्स अमला पहुंचता है, उसके बाद चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर महोदय को रजनीश शुक्ला व उनके आदमी द्वारा बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वहां पर बवाल किया जाता है, लेकिन उसका कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया, उसका कोई फुटेज सामने नहीं आया। उसके बाद रजनीश शुक्ला के भाई को पुलिस जो है बर्बरता से लाठियों से पीटती रहती है, उसका बच्चा रोता रहता है। हाँ, ये लाठियां बच्चे पर भी पड़ सकती थी, लेकिन पुलिस इसको नहीं देखती। आनंद फानंद में जो वीडियो वायरल होता है, जब मामला एडीसी जोन तक पहुंचता है तब इसकी जांच के लिए बात हो जाती है, जांच बैठ जाती है। फिर इसमें दो बयान है, जो एक एडिशनल SP का है और एक कानपुर के SSP का है। दोनों में ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है रजनीश शुक्ला के भाई पर लाठी बरसा रही थी, इसमें ये वीडियो वायरल हुआ, इस पर जांच बैठी है और रजनीश शुक्ला पूर्व के वालों में विवादित था, उसने SDM पर भी हमला किया था। बिल्कुल दानिश, जिस अस्पताल का जिक्र हो रहा है कि अस्पताल में जाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए अभी अस्पताल प्रशासन का कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, सभी मामले पर चुप्पी साधे हुए, लेकिन सवाल ये है कि रजनीश शुक्ला की गलती थी तो फिर थाना अध्यक्ष समेत लोगों को निलंबन क्यों किया गया, क्यों उन पर कार्रवाई की गई और एडिशनल SP और SSP को आखिर काल क्यों प्रोटोकॉल के तहत अपने बयान देना पड़ा, क्यों मीडिया के सबके सामने आना पड़ा उनको? तो अगर गलती रजनीश शुक्ला के भाई की भी थी तो पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कार्रवाई क्यों की, फिर अपने स्टाफ को क्यों निलंबित किया, ये सवाल यहाँ पर है। इसमें वरुण गांधी समेत तमाम लोगों ने भाजपा के पुलिस कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह था कि उनका कहना था, जो रजनीश शुक्ला है उनके लोगों का कहना है कि यहाँ पर अस्पताल में सही से इलाज नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने ये कार्रवाई की और किसी को भी बंद नहीं किया, किसी पुलिसकर्मी पर हाथ नहीं उठाया गया। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब फोन पहुंचता है तो पूरे फोर्स अमला के साथ पहुंचता है और रजनीश शुक्ला के भाई पर लाठियां बरसाना शुरू करता है, इसकी गोद में बच्चा होता है, बच्चा इस चीज को देख के सहम जाता है, वो दुहाई लगाता है, दुहाई लगाते लगाते पुलिस प्रशासन उस पर नहीं सुनता है, उसके लाठियां बरसा दी जाती है, जिसका सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो जाता है और ये घटना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दानिश। तो कानपुर देहात का ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है, पुलिस की बर्बरता सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है वो अस्पताल में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से तस्वीरें सामने आई। लेकिन यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी बर्बरता के साथ उस शख्स को पीट रही है। मासूम बच्चा गोद में है, बड़ा हादसा हो सकता था, जो डंडा है जो लाठी है वो मासूम को लग सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद पुलिस पर कोई असर होता हुआ नज़र नहीं आया है। तो कानपुर देहात की तस्वीरें सामने आई है जहां पर मासूम के पिता पर जमकर लाठी चार्ज हुआ है, जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। पुलिस की बर्बरता का ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। लालकुआ राजस्व के मामले में कुमाऊं की सोने की खान कहीं जाने वाली गोला नदी में खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गर्मा गई है। यहां लालकुआ, हल्दचूड़ और देवरामपुर सहित तमाम खनन निकासी गेटों में वाहन मालिकों ने अपने वाहन नहीं भेजे हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं वाहन मालिकों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी के दामों में कमी नहीं करती और उन्हें किराया बढ़ाकर नहीं मिलता तब तक वो खनन कार्य में अपनी वाहनों को नहीं भेजेंगे। बता दें कि गोला नदी से होने वाले खनन व्यवसाय से लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और रोजगार पाते हैं, साथ ही सरकार को भी भारी राजस्व मिलता है, मगर इस बार वाहन मालिकों की तरफ से अपने वाहन नदी में नहीं भेजे जाने से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो लालकुआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खनन शुरू होने से पहले ही राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल जो वाहन मालिक है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी तमाम मांगे हैं, मांगे पूरी नहीं होती तब तक काम शुरू नहीं होगा।
हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रेशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था, इस बार जो क्रेशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है। और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा, जो क्रेशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है समतलीकरण के नाम पर, जो उनको परमिशन दी गई है उसमें क्रेशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है। और गौला नदी की जो रॉयल्टी है वो 32 रुपये के आसपास है, 30 से 31 रुपये या 32 रुपये के आसपास पड़ती है। तो अब वो उनका भी कहना है कि अपनी जगह में कि भाई जो हमें 8 रुपये रॉयल्टी पर माल मिल रहा है तो फिर हम जो है 30 रुपये की रॉयल्टी का माल क्यों लेंगे, और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग उनको जो समतलीकरण के आधार पर उनको जो मिला हुआ है परमिशन मिली है उस परमिशन का वो फायदा उठा रहे हैं और इससे बहुत बड़े राजस्व की भी हानि हो रही है, सरकार को भी हानि हो रही है, जबकि गोला से 300 करोड़ रुपया जो है सरकार को भी राजस्व जाता है। और मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जो वाहन मालिक हैं, जो खनन करते हैं, वो अपने वाहनों को नहीं भेज रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम कार्य नहीं शुरू करेंगे। ऐसे में राजस्व को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस काम से उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो कि सरकार को राजस्व के नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरा, गोला खनन से जुड़े कम से कम 7 यात्रियों के बहाने जो हड़ताल पर गए हुए हैं इसको लेकर भी काफी नुकसान राजस्व सरकार को भी हो रहा है। हालांकि उनकी सीधी लड़ाई है कि भाड़ा कम मिलना है उनका और दूसरा रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर चल रहा है। उसको लेकर आज बैठक भी है और बैठक में निर्णय लेगी। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई तो हम अनिश्चित काले तो हड़ताल ही उस पर आंदोलन को बात देंगे। बिल्कुल, अगर उनकी मांगों की बात की जाए तो क्या क्या मांगे हैं उनकी मुकेश? सबसे पहले तो रॉयल्टी कम करने को लेकर, जो रॉयल्टी 3200 रुपए है, 3200 रुपए की है कि जो क्रेशरों में 8 रुपए है उसको रॉयल्टी कम करने की मांग है। दूसरा, उनका जो भाड़ा कम मिला उसको भाड़ा बढ़ाया जाए क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम का उनने हवाला दे रखा है कि पेट्रोल दाम आसमान से छू रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर काफी आक्रोशित है, उन्होंने भी सीधे चेतावनी दे रखी, सरकार पर ध्यान नहीं देती है तो ऊपर आंदोलन को बात दूंगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो खनन शुरू होने से पहले ही यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया जा रहा है, हड़ताल शुरू हो गई है। जो वाहन मालिक हैं वो कह रहे हैं कि हम खनन करने के लिए अपने वाहनों को नहीं भेजेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। तो ऐसे में राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रुड़की के मंगलौर इकबालपुर रोड पर धर्मपुर गांव में ग्रामीण धर्मपुर यात्री स्थल के नीचे पंचर लगवा रहे थे, तभी मंगलौर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने यात्री स्थल में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद यात्री स्थल धड़ाधड़ कर वहां खड़े लोगों के ऊपर गिर गया, जिसमें दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की पर ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। वहीं पुलिस का कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय विधायक की पत्नी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक और घायल के आश्रितों को मुआवजा दिया जाए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं रुड़की से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। यात्री स्थल के नीचे कुछ यात्री खड़े हुए थे, तभी अचानक यात्री स्थल भरभराकर नीचे गिर गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। मेरठ में आजाद हिंद फौज के ध्वजवाहक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नजदीकी जनरल शहनवाज खां की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की राजनीतिक सलाहकार कमेटी के सदस्य है और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन भी पहुंचे। उन्होंने आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज खां को देश का सच्चा सिपाही बताया। उन्होंने कहा कि आज जो आजादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं उसका मार्ग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रशस्त किया था। उन्होंने जनरल शाहनवाज खां को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश के किसी भी मुसलमान को जो कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बर्बादी का एकमात्र कारण बीजेपी और सिर्फ बीजेपी है। सबसे पहले मैं भारत के
चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है, मैं उन्हें अपना नमन पेश करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और आज मेरठ में मैं जनरल शाहनवाज खान साहब की पुण्यतिथि पर आया हूं। मैं उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपना नमन और अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। जहां तक सवाल किसान आंदोलन की समाप्ति का है, मैं पूरे देश के किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी ताकत से अपना हक दिया। भारत की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि देर से ही सही उन्होंने देश के किसानों की बात को सुना और सुन करके उनको माना। हालांकि मुझे ये लगता है कि 2022 के चुनाव में होने वाली हार को देखते हुए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री डर गए और उन्होंने किसान की बात को सुनना कबूल किया, स्वीकार किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देश के किसानों को बधाई और भारत की सरकार का धन्यवाद। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की आवाम के सामने है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस सत्ता की सियासत न की है न हम करेंगे। हम एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे हैं, लेकिन हमने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की आवाम से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की और दुर्दशा करानी है तो किसी को भी वोट देने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन अगर इस उत्तर प्रदेश को वही उत्तम प्रदेश बनाना है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बनाना है, तो प्रियंका गांधी की कयादत में कांग्रेस को जिताना होगा। सलमान खुर्शीद एक देशभक्त आदमी है और एक सेकुलर आदमी है, उन्होंने कहा है उसको समझने में भूल हुई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार शुक्रवार को वित्तीय का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। इसके अलावा सरकार उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश करेगी। गुरुवार से शुरू हुए सत्र के दूसरे दिन यानी कि आज सरकार अपना कामकाज निपटाएगी। सदन में उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत 8 विधेयक पटल पर रखेगी। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट उत्तराखंड का। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। 1400 से 1500 करोड़ तक का ये बजट हो सकता है। तो उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार आज अपना वित्तीय दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। अनुपूरक बजट 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आज अनुपूरक बजट पेश होने वाला है, जानकारी मिल रही है कि 1400 से 1500 करोड़ के बीच का ये बजट होगा, क्या क्या अहम होगा इसमें? जी बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन और सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जैसे ही सदन में पहुंचा उसके बाद यशपाल आर्य पर अभाजपा में हुए हमले को लेकर उन्होंने 310 पर चर्चा करने की मांग सदन में की और कहीं ना कहीं उस पर चर्चा ना होने के चलते विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो विधानसभा का सत्र था उसे एक दिन और बढ़ाया गया था, यानी कि कल भी विधानसभा का सत्र चलेगा, लेकिन अनुपूरक बजट यानी कि जो बजट अब सरकार का अंतिम बजट हो सकता है उस बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और महत्वपूर्ण चीज है कि इसके साथ ही कई विधेयक हैं जिनको पास करने की कोशिश आज सदन के अंदर तमाम सरकार सुभाष 8 विधेयक ये बताए जा रहे हैं, इनमें कौन कौन से विधेयक शामिल है? एक तो देवस्थानम बोर्ड जो भंग करने का फैसला लिया गया है ये वाला विधेयक है, इसके अलावा और कौन कौन से विधेयक है? जी बिल्कुल, देवस्थानम बोर्ड के साथ ही पंचायती राज के महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको संशोधन के लिए सदन में लाया जाएगा। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि देवस्थानम बोर्ड को भी संशोधन के लिए लाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले देवस्थानम बोर्ड को सदन के अंदर पारित किया गया था, लेकिन क्योंकि अब सरकार चाहती है कि बोर्ड को भंग किया जाए तो उसको संशोधन विधेयक के तौर पर देखा जाएगा। और इसके साथ ही अन्य कई विधेयक हैं जो चाहे वो शिक्षा जगत के हों या फिर
पंचायती राज की जगह की हूँ, तभी तमाम जो विधायक है उनको भी संशोधन के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिसके बाद सहमति के बाद उन पर संशोधन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही अनुपूरक जो बजट है उसको भी सरकार पास करेगी, लेकिन आज केवल विधायक को सदन के पटल पर रखा जाएगा और कल उस पर चर्चा करके उस बिल्कुल सुभाष और जो बजट की बात कही जा रही है, इस बजट में आम जनता के लिए क्या खास रहने वाला है, आम जनता को ये बजट कितना समर्पित होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक है और सरकार की आखिरी विधानसभा सत्र है और आखिरी बजट सत्र है, एक अनुपूरक बजट सत्र, तो कहा जा सकता है कि आम जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित ये सत्र रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो सरकार चाहती है कि जनहित के जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम चीजों के लिए जो बजट है वो भरपूर मात्रा में सरकार के पास रहे ताकि सरकार उनको बेहतर तरीके से खर्च कर पाए। तो कहा जा सकता है कि मूलभूत सुविधाएं जो आम जनमानस की हैं उन तमाम मुद्दों को सरकार ने सोचकर इस बजट में कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश की है और कुल मिलाकर जो बजट है वो केवल आम जनमानस के लिए ही इस बार नजर आएगा। जी ठीक है, इस बार शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज विधेयक पटल पर रखेगी सरकार, ऐसी जानकारी मिल रही है, अनुपूरक बजट भी पेश होगा, साथ ही साथ जो बजट है वो आम जनता के लिए मुख्य तौर पर रहने वाला है क्योंकि आखिरी बजट है सरकार का, साथ ही साथ 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कोशिश रहेगी कि इस बजट से कहीं ना कहीं जनता का जुड़ाव हर मुद्दे पर या हर एक पॉइंट पर बना रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।